क्वेश्चन नंबर वन, निम्नांकित बॉक्सों में बड़ा या छोटा में उपयुक्त संकेत रखें। तो देखिए, पहला इसमें देखेंगे पहले कितना अंक है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला काम अंक गिनना है। तो देखिए, अंक अगर ज्यादा होगा तो ये संख्या भी बड़ा होगा, ठीक है। इससे देखिए, जिसका अंक ज्यादा होगा, जिस संख्या का अंक ज्यादा होगा, वो संख्या क्या होगा, दूसरे से बड़ा होगा। तो हम इस तरह इधर का इसको करेंगे। अब देखिए, इस पे अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अंक बराबर है तो अब इसका देखिए शुरू से देखते हैं। तो यहां से देखिए 9 7 5, 9 7 5 यहां भी है, 9 7 5 यहां भी है, ठीक है। अब देखिए, चौथा अंक 3 है, लेकिन चौथा अंक यहां पे 2 है। तो देखिए, 3 बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, 3 अंक तो मिल रहा है यहां पे, 9 7 5, 9 7 5, लेकिन चौथा अंक जो है 3 है और यहां पे 2 है, यानी 3 2 से बड़ा है। तो ये अंक बड़ा होगा क्योंकि देखिए चौथा अंक 3 है, ठीक है। क्योंकि संख्या देखिए, अंकों की संख्या तो बराबर है दोनों में। तो हम अंक देखेंगे कि शुरू से कि अंक देखेंगे कौन कौन अंक मिल रहा है, देखिए। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है तो उसमें बड़ा कौन है, तो वो संख्या भी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा में 1 2 3 4 किधर से भी गिने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कौन बड़ा हुआ, तो एक ये 7 अंक है, ये 6 अंक है, तो 7 अंक वाला बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 अंक है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक इसमें भी है। अब देखिए, अब हम इसमें शुरू से अंक देखेंगे। तो इधर से पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन गिना जाता है इधर से, इकाई दहाई, लेकिन पढ़ा जाता है इधर से। तो देखिए, इधर से हम देखेंगे बायां तरफ से 5 है यहाँ पे, यहाँ पे 8 है, क्योंकि दोनों अंक बराबर है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है। तो अब हम शुरू वाला अंक देखेंगे कि बड़ा है या छोटा। तो 5 है यहाँ पे, 8 है, तो देखिए 8 बड़ा है, यानी ये पूरा संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह हम यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें कितना अंक है, देखिए हम पहले अंक गिनेंगे उसके बाद देखिए। तो इसमें देखते हैं कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों में 9 9 अंक है। अब देखिए शुरू से देखेंगे कि कौन कौन अंक मिल रहा है। तो देखिए, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है पहला अंक, दूसरा देखिए, दूसरा तीसरा 0 0 है, चौथा भी देखिए 5 है, लेकिन पचवां अंक देखिए 6 है यहाँ पे, यहाँ पे पचवां अंक क्या है, 4, ठीक है। देखिए, अंकों की संख्या हम किधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी, लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इधर से पढ़ा जाता है, 20 करोड़, ठीक है। 5 लाख 61 हजार 934 इसको पढ़ेंगे, और इसको देखिए 20 करोड़ 5 लाख 43 हजार 129 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो हम इधर से इसको देखेंगे, देखिए 2 0 0 5, 2 0 0 5 यहां तक मिल रहा है, लेकिन 6 यहां पे आ गया पचमा अंक में, देखिए 6 है यहां पे, 4 है, तो 6 बड़ा होगा, यानी 6 बड़ा होता है 4 से, तो ये पूरा संख्या बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 1 करोड़ और 100 मिलियन, तो देखिए 1 करोड़ में कितना शून्य होता है, 7 शून्य होता है, ठीक है। 1 करोड़ में कितना शून्य होता है, 7 शून्य होता है। देखिए इसको इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, कॉमा दे करके 1 करोड़। अब देखिए 100 मिलियन, तो 100 मिलियन में देखिए एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य होता है, ठीक है। 100 मिलियन बोलते हैं 10 करोड़ को। तो देखिए, ये 1 करोड़ है, ये क्या है, देखिए मिलियन बिलियन में 3 3 पे कॉमा लगता है, और करोड़ लाख में 3 के बाद 2 2 पे, ठीक है।
तो देखिए यहां पे ये हो गया 1 करोड़, इसको पढ़ेंगे 10 करोड़, 100 मिलियन को कितना पढ़ेंगे 10 करोड़, ठीक है। 10 पे 7 जीरो है, तो देखिए कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह इसको हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरे तथा सबसे छोटी संख्या को, देखिए इस तरह से आयत, इसको बोलते हैं रिक्टेंगल, आयत के भीतर लिखें, यानी सबसे छोटी संख्या को वृत्त से घेरना है और सबसे छोटी संख्या को इसके भीतर लिखें, लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा का पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरना है, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो पहले अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों 7 7 अंक बराबर है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, ये भी देखिए 8 अंक है, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए ये दोनों 8 8 अंक है, यानी ये ही इसी दो संख्या में से सबसे बड़ा निकलेगा। तो देखिए दोनों 8 8 अंक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला संख्या, पहला अंक 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम वृत्त में लिखेंगे, यानी पहले हम संख्या लिख देते हैं 8 2 2, 8 8 8 8 4, ठीक है। तो इसको वृत्त में लिखेंगे इस तरह से, देखिए। और अब देखिए सबसे बड़ी संख्या को हम वृत्त में लिख दिए हैं, वृत्त से घेरने के लिए कह रहा था, और सबसे छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों 7 7 अंक था, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे 8 है, सबसे पहला वाला अंक, यहाँ भी 8 है, उसके बाद 1 है, यहाँ पे 4 है, तो देखिए 4 वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा अंक हो गया, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 8 1 5 2 1 8 5, देखिए 8 1 5 2 1 8 5, इसको लिख लिए हैं, और इस तरह से हम इसको घेर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या को वृत्त में घेरना था और सबसे छोटी संख्या को इस तरह आयत बना के, तो देखिए हम दोनों कर दिए हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे भी वही करना है, सबसे बड़ी संख्या को वृत्त से घेरना है और सबसे छोटी संख्या को आयत के भीतर। तो देखिए पहले हम अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ये 10 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए 10 अंक ये हो गया, 10 अंक ये हो गया, तो पहला अंक 9 है, यहाँ पे पहला अंक 1 है, तो सबसे बड़ा ये हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, इसको वृत्त में घेरना है, तो देखिए हम इसी में घेर देते हैं, नीचे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम इसको वृत्त में घेर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये कितना अंक था, ये दोनों 10 10 अंक था, तो ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 ही अंक है, ठीक है, ये दोनों 10 अंक था, तो सबसे बड़ा तो निकल गया, तो सबसे छोटा यही होगा, तो इसको हम वृत्त बना देते हैं, देखिए माफ कीजिएगा वृत्त नहीं, आयत, जिसको रिक्टेंगल बोलते हैं, इस तरह से देखिए, तो सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटा संख्या, तो हम जो क्वेश्चन है उसमें भी घेर सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है, आपको जैसा मन है नीचे भी लिख सकते हैं या इसी में घेर सकते हैं। अब देखिए तीसरा, तो देखिए तीसरा में ये 3 संख्या दिया हुआ है, तो देखिए पहले हम अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए ये दोनों 8 8 अंक हुआ, ये हुआ 7 अंक, तो सबसे छोटा यही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 8 8 अंक है, ये 7 अंक है, तो सबसे छोटा हो गया, तो इसको हम आयत बना देते हैं इस तरह से, क्योंकि छोटे ही संख्या को इस तरह से करना है। अब देखिए ये दोनों अंक बराबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों 8 8 अंक है, तो देखिए सबसे पहला अंक 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी दूसरा अंक 6 है, यहां भी 6 है, तीसरा अंक 5 है, तो यहां पे 6 है, यानी ये संख्या बड़ा हो गया, क्योंकि तीसरा अंक यहां पे देखिए यहां 5 है, तो यहां पे 6 है, यानी ये सबसे बड़ा हो गया इन तीनों में,
इसको हम वृत्त इस तरह से हम, ठीक है, कॉमा दे देंगे अब। तो देखिए इस तरह से हम हल कर लेंगे। अब देखिए फोर में, तो यहां पे देखिए तीन संख्या है, पहले हम अंक गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये दोनों आठ आठ अंक है, ये हुआ 9 अंक, यानी ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम बड़ा को वृत्त में बनाना है, यानी इसको हम वृत्त बना देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा अंक को वृत्त बनाना है, वृत्त में घेरना है, और छोटा अंक को, तो देखिए ये दोनों आठ आठ अंक है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन होगा, देखिए पहला अंक 9 है, यहां भी 9 है पहला अंक, दूसरा अंक 8 है, यहां पे 9 है, यानी सबसे छोटा ये हुआ, ये दोनों में छोटा ये हुआ, तो तीनों से छोटा हो गया। तो इसको हम आयत बना देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 तक हल कर लेंगे।